बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बच्चों। तो आज हम करने वाले 2021 क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी तक हम इस वाले बैच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा शुरू होगा जेनेटिक्स का चैप्टर। सो बच्चों स्टे ट्यून्ड, बी रेगुलर इन द क्लासेस बिकॉज वी आर गोइंग टू रॉक दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल, राइट बच्चों? सो विद जी स्क्वायर, वेयर आर माय एनर्जी कैप्सूल्स? यस, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द एनर्जी कैप्सूल्स, वेयर आर दे बच्चों? यस, आई शुड सी लॉट ऑफ एनर्जी कैप्सूल्स बच्चों। सौम्या, आकांक्षा, मोहम्मद, सचिन, देन वरुण, वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑल माय स्माइलिंग कैप्सूल्स। सो बच्चों अगर आप नए हो एंड यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर योर नीट एग्जाम, देन वी आर हियर ऑन यूट्यूब चैनल वेदांतनी मेड इजी चैनल। एंड यहाँ पे हम कराएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रिपरेशन। तो एक जल्दी से अपने प्यार भरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो यार, प्यार के साथ करना, क्योंकि टीचर से प्यार बहुत मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। यस बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको दिक्कत है कि मेरा क्या स्केड्यूल चल रहा है, कब कौन सी क्लासेस चल रही है, देन दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन बच्चों। यस, दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन वेर यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप टू नो ऑल द डिटेल्स, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चैनल, कौन से बैच की कौन सी कब क्लास लग रही है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, एवरीथिंग यू विल गेट इन एडवांस। एंड बच्चों दिस इज जस्ट फॉर यू, दिस थिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, वेयर आई एम टेलिंग यू अबाउट टू टेक द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन? आप सोचते होंगे क्यों हम डेली आके आपको एक ही चीज़ बताते हैं। कई बार हमें समझ में लगता है जो मैम ने बोला हो, कई बार हमें समझ ही नहीं लगता कि मैम क्या बोल रही है। तो आज मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि यू नो हम कोचिंग में जाते हैं, द सेम इज लाइक दैट। यस, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक टीचर के पास, उससे पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। यही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे भी है। पूरे आपके फेवरेट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर बच्चों फिर उसका टेस्ट होगा। मतलब 15 दिन क्लास होती है, फिर टेस्ट, फिर क्लास, फिर टेस्ट, फिर क्लास, फिर टेस्ट। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्लानर दे दिया जाता है इन एडवांस कि इस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हेन योर सिलेबस कंप्लीट देन योर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स। बट आप सोचते होंगे व्हाई, Why to take this? ये तो हर जगह मिलता है ना, ये तो everybody. But we have planned something more for you. Yes, we have planned something more for you. That is just for you people who take the subscription now. अगर आप सोचोगे बच्चों, देखो वक्त तो क्या है, पानी की तरह बहता चला जा रहा है, ठीक है, अब ये बहता चला जाएगा, हम सिलेबस में पीछे रह जाएंगे। तो वी हैव समथिंग फॉर यू जो आपके इस वक्त की भरपाई जरूर कर पाएगा। एंड दैट इज दिस बच्चों, दैट इज दिस लाइफ, दैट इज कम्प्लीट करिकुलम, कि वट यू गेट इन योर लॉन्ग टर्म बैच। हाउ दिस लॉन्ग टर्म बैच इज डिफरेंट फ्रॉम क्रैश कोर्स, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब, ये चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगी। माइक्रो कोर्सेज, ना माइक्रो कोर्सेज इज समथिंग विच जस्ट वेदांतु ऑफर्स यू। माइक्रो कोर्सेज क्या, दीज आर द लाइव क्लासेस। अगर आपको लगता है कि आपका कोई चैप्टर नहीं समझ में आया एंड यू वॉन्ट टू डू इट अगेन, ऐसा कई बार होता है कि हमें चैप्टर समझ नहीं आता है एंड यू वॉन्ट टू डू इट अगेन, देन यू हैव चैप्टर वाइज क्लासेस। येस, एवरी मंथ वी हैव लाइव क्लासेस चैप्टर वाइज। दिस इज योर सोल्यूशन। अगर एक चैप्टर नहीं भी समझ में आया या उस महीने कोई प्रॉब्लम हो गई कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया, रिकॉर्डिंग देखने का मेरा मन नहीं है, तो वी हैव अगेन अ टीचर कवरिंग योर दिस चैप्टर इन अ लाइव सेशन। तो इवन इफ यू मिस इट, नो वरीज, यू हैव दिस माइक्रो कोर्सेज ऑलवेज गोइंग अराउंड द ईयर, पूरे साल ये चलते हैं। देन यू हैव कंप्लीट क्रैश कोर्स। नाउ यू वुड बी थिंकिंग मैम क्रैश कोर्स भी लेना पड़ता है जब पूरा लॉन्ग टर्म बैच खत्म हो जाता है, बट फॉर यू नो 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 नो, वेदांतु इज नॉट गोइंग टू आस्क यू इवन अ सिंगल रुपी वंस यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपका क्रैश कोर्स नेक्स्ट ईयर का, इट्स ऑन अस बच्चों। देन यू हैव टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको पता है ये तो गेम को बिल्कुल क्या करती है, पलट देती है। ये टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलती है, यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस ऑल्सो। असाइनमेंट्स, यस। अब आप सोचते होंगे कि प्रैक्टिस मटेरियल मुझे कैसा मिलेगा, तो इस सब्सक्रिप्शन में जैसी क्लास ओवर होती है उसके बाद आपको मिलता है प्रैक्टिस मटेरियल। तो जो क्लास में पढ़ा उसके लिए प्रैक्टिस करो। सो आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो दिस इज देयर बच्चों। यस, प्रैक्टिस है यहाँ पे। लर्निंग मटीरियल्स, यस। आप सोचेंगे क्लास में नोट्स में बना नहीं पाया तो ये क्लास के नोट्स मुझे कैसे मिलेंगे, हेयर वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। हर क्लास के बाद आपको मिलेंगे नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF, यू कैन सिंपली डाउनलोड इट एंड रिवाइज योर लेक्चर अगेन एंड अगेन।
रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, यस, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कौन से एरिया में आप कमजोर हो, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, दिस वी आर गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. सो आई थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटी है जो दिक्कत वाली है. सो व्हाई नॉट बच्चों, व्हाई नॉट, दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन. सो अगर आप पूरा 12 महीने का एक साथ पे करोगे बच्चों तो 2252 रुपीस पड़ेगा, मतलब कि एक साथ पेमेंट करने में आपका फायदा है, ठीक है. बट अगर आप एक महीने का पेमेंट करोगे तो आपका फायदा कम है, राइट बच्चों. तो इसलिए गो फॉर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे 12 महीने का एक साथ पेमेंट करने पे आपको हर महीने बेसिकली 2252 रुपीस ही पे करना है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिल जाता है. ट्रस्ट मी बच्चों, इतना तो ना आजकल घंटे की क्लासेस भी होती है, यू नो 1000 रुपीस पर आवर, 500 पर आवर. तो सोच रहे हो अगर 10 क्लास मिली तो 5000 तो एक ही सब्जेक्ट पे खर्च कर दिए. सो आई थिंक नाउ यू पीपल आर स्मार्ट व्हाट टू चूज, राइट. और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है. लिंक मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है. सो लाइक इफ यू क्लिक ऑन द वीडियो, इस तरीके से आपका वीडियो है बच्चों, अगर आप क्लिक करोगे सो यू विल गेट द लिंक्स हियर, इस तरीके से लिंक आते हैं. तो अगर YT Pro वाले लिंक पे आप क्लिक करते हो बच्चों, देन यू कैन गेट टू द लिंक एंड डू नॉट फॉरगेट टू चूज योर ग्रेड, कि आप 11th के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, 12th के लिए. एंड ऑल्सो GA Pro कोड लगाने बच्चों, तभी 15% और डिस्काउंट मिलेगा, तो ये मौका मत छोड़ो मेरे बच्चों, ठीक है. यस, सो GA Pro कोड लगाओ, यू जस्ट हैव टू पे 27,000 रुपीज, दैट इज अ नेट अमाउंट. इसके बाद कोई और टैक्सेस कुछ नहीं है बच्चों, दिस इज अ फाइनल अमाउंट, नो हिडन चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, बट पूरे साल भर का साथ तुम्हारा और हमारा हो जाएगा, राइट बच्चों. यस, चलो अब स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द डे बच्चों. सुबह सुबह मिनरल न्यूट्रिशन पे लास्ट मिनट रिविजन हमने किया था. नाउ दिस इज माई सेकेंड लेक्चर ऑन मंडे विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2. एंड देन यू हैव फिजिक्स सेशन, देन यू हैव केमिस्ट्री सेशन. नाउ बच्चों वी विल फाइनली स्टार्ट विद अ लेक्चर टूडे, दैट इज अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. Now these diseases are spread through sexual contact, that's why they are called as sexually transmitted diseases. Okay, so disease transmitted through sexual intercourse with a partner having such an infection. So you know the infected person can spread this infection to the other person as well. Also called as venereal diseases. In a venereal diseases we kehte because they chiefly affects the reproductive system or reproductive tract. So what is RTI? RTI are the infections of reproductive tract. That's why they are called as RTI. Examples. Now what are the examples of these diseases, bacho? The first is gonorrhea, syphilis, herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and HIV. So these are the diseases which we are going to discuss in today's session because they all are categorized under sexually transmitted diseases. Okay, bacho? Next, bacho. Hepatitis B and HIV infection. I think everybody has heard of hepatitis B and HIV. Yes, bacho, everybody. I think everybody must have gone through HIV, you know, and hepatitis B once in their textbook. Kabhi na kabhi to aapne zarur suna hoga. So what is this hepatitis B and HIV infection? First of all, they both are viral diseases. The first thing that you need to understand is that the both are caused by a virus. That's why they are called as viral diseases. The causative agent for hepatitis B is hepatitis B virus and HIV is a causative agent for AIDS. Right, bacho? Yes. Now, how do they spread? Why? Means, is the sexual contact only reason how they spread or there can be other reason? So, let's see the other reason, bacho. By sharing of injection needles. So, when, you know, if a person is infected with HIV, agar ek insaan HIV infected hai, usi ka hi, you know, syringe aapne use kiya aur dusre ek healthy person mein inject kar diya, so that person will also become HIV positive. So sharing of infected needles, by sharing of surgical instruments like injections, okay, scalpels, through blood transfusion. So if a person is, you know, suffering from HIV infection and he start to donate his blood, basically he is spreading HIV through blood donation. From an infected mother to her fetus, because this HIV can cross placenta as well. So the child can also be infected with the HIV virus. Right, bacho? Now moving on to the next, how exactly are STDs caused? So means what are the things which can actually cause STDs? They can be bacteria, they can be viruses, they can be parasites. Some fungi may also cause them. So they can be fungal,
दे कैन बी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक. ओके, दीज ऑर्गेनिज्म में पास फ्रॉम एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. सो अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड, ठीक है, बाय थ्रू अ इन्फेक्शन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू सीमेन और बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग द डिजीज इन द लेटर. ठीक है बच्चों, एवरीबडी इज गेटिंग इट. शिवानी, कॉमन एसटीडीज. नाउ व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट वी हैव टू डू फॉर आवर नीट एग्जाम. फर्स्ट बैक्टीरियल. नाउ द नेम इटसेल्फ सेज बच्चों, बैक्टीरियल एसटीडीज मतलब बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडीज को हम कहते हैं बैक्टीरियल एसटीडीज. कॉजेटिव एजेंट, नेजेरिया गोनोरिया. दिस वॉज अ नीट क्वेश्चन पेपर. यस बच्चों, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट व्हाट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया. गोनोरिया का जो कॉजेटिव, एक सेकेंड बच्चों, गोनोरिया का जो कॉजेटिव एजेंट होता है बच्चों वो होता है नेजेरिया गोनोरिया. नाउ साइंस एंड सिम्टम्स, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल्स. सो इससे क्या होती है बच्चों, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल्स हो सकती है, पेनफुल यूरिनेशन. सो इट कैन बी अ वेरी पेनफुल यूरिनेशन. एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम पीनिस एंड वजाइना, लोअर एबडोमिनल पेन स्पेशली ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी. सो अगर इसे ट्रीट ना कराया जाए जल्दी सो इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो. एंड फॉर इट्स ट्रीटमेंट पीपल गो फॉर एंटीबायोटिक्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिफिलीज. नाउ कमिंग टू द सिफिलीज बच्चों, द कॉजिटिव एजेंट इज ट्रेपोनीमा पैलिडम. The causative agent is Treponema pallidum. Again, very important because ये पूछा जा चुका है किसमें, नीट एग्जाम में. सो हेयर यू कैन सी द हैंड ऑफ अ पर्सन, यू हैव सो मेनी शैंक्रेज. दीज आर ब्लिस्टर्स. क्या होते हैं बच्चों, ये ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम शैंक्रे कहते हैं. दे आर पेनलेस. शुरू में पेनलेस होते हैं बट बाद में दे कैन बिकम पेनफुल ऑल्सो. सो कैरेक्टरिस्टिक रैशेज. रैशेज मीन्स शैंक्रे ऑन द पाम्स एंड फीट. Swollen lymph nodes. जो lymph nodes होते हैं body के वो swell कर जाते हैं क्योंकि infection बहुत जबरदस्त होता है. ठीक है, what like lesions around genital areas. Flu like symptoms यानी cold, fever, ये सब आएगा. ठीक है, get worse through different stages of the infection. तो इस infection की तीन stages होती है, primary, secondary and tertiary. जो tertiary stage है that is a most pathetic stage क्योंकि उसमें एक इंसान का organ डीजनरेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, क्या होना शुरू हो जाता है बच्चों, डीजनरेट. तो बेसिकली इस वाली डिजीज की तीन स्टेजेस है, प्राइमरी, देन यू हैव सेकेंडरी, देन यू हैव टर्शरी. प्राइमरी इन विच यू हैव पेनलेस ब्लिस्टर्स मीन्स यानी कि ब्लिस्टर्स छाले होंगे बट उनमें पेन नहीं होगा. सेकेंडरी में द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, उसको फीवर आना शुरू हो जाता है. टर्शरी में इट स्टार्ट्स विद ऑर्गन डीजनरेशन. तो ये वाला सबसे खतरनाक है बच्चों क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, वायरल एसटीडीज लाइक एचआईवी एंड एड्स. कॉजिटिव एजेंट क्या है बच्चों, एड्स का, एचआईवी विच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस. तो इसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, एचआईवी. साइंस एंड सिम्टम्स. सो एच आई वी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, पेनफुल अल्सर्स. विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ एच आई वी द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन ग्रेटली वीकेंड. यानी कि एच आई वी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है. क्या कर देता है बच्चों, ये इम्यूनिटी को खत्म कर देता है. राइट, ट्रीटमेंट बेसिकली बच्चों देखो, ये परफेक्टली क्योरेबल नहीं है. मैं पहले बता दूं, एड्स क्योरेबल नहीं है, बस आप उसके सिम्टम्स को डिले करते हो. ठीक है, बाय टेकिंग द ड्रग्स एंड दीज ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल ड्रग्स लाइक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग विच इज कॉल्ड एज एजीटी और एजिटोथायमिडीन. सो व्हाट इज अ ड्रग विच इज यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट इज एजिटोथायमिडीन. ये एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है. राइट बच्चों, एनर्जी कैप्सूल्स. देन यस ओके, ये चीज बतानी बहुत जरूरी है बच्चों कि एचआईवी कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है. ठीक है, किसी को बोलने से पहले दो बार सोच लेना कि व्हाट यू पीपल आर डूइंग. यू कैन गेट एचआईवी वाया अनप्रोटेक्टेड कोइटस, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इंजेक्टिंग ड्रग्स, वर्किंग इन हेल्थ केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन.
but you cannot get HIV infection by insect bite. I think this question has been asked in my chat box so many times. बेटा मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं होता है, ठीक है? क्या नहीं होता है बच्चों? मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं होता है. देन ऑफ कोर्स सिटिंग ऑन द टॉयलेट इज ऑफ कोर्स, ठीक है? शेयरिंग कटलरी और टचिंग डज नॉट कॉज एचआईवी, सो यू शुड बी श्योर दैट यू नो डू नॉट स्प्रेड रॉन्ग र्यूमर्स अबाउट दिस, ठीक है? नेक्स्ट इज बच्चों हेपेटाइटिस बी. नाउ हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस कॉजेज हेपेटाइटिस बी. What are the signs and symptoms? Constant feeling of tiredness. मतलब इंसान थका थका फील करेगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, भूख प्यास सब चली जाएगी, ठीक है? ये प्यार के सिम्टम्स नहीं है बच्चों, ये हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स है, ठीक है? यस, कभी तुम सोचो अरे प्यार में भी तो यही होता है, ऐसा नहीं होता मेरे बाल को, ये हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स है, ठीक है? हाँ, माइल्ड फीवर, लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस मीन्स जब लिवर सड़ना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज वॉट मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स. नो परमानेंट क्योर बट वी कैन जस्ट डिले इट, ओके? नेक्स्ट बच्चों वी हैव जेनाइटल वॉट्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, जेनाइटल वॉट्स. हाउ डज इट लुक्स लाइक? सो छोटे छोटे कॉलीफ्लावर जैसे, मतलब गोभी जैसे छोटी छोटी स्किन की ग्रोथ हो जाती है, जैसे हम वॉट्स कहते हैं. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द वन विच कॉजेज, यू नो, viral STD like genital wart. So it is a viral infection, ठीक है? Yes बच्चों. Second signs and symptoms, warts आने शुरू हो जाएंगे. Warts क्या होते हैं basically बच्चों? छोटे छोटे मस्से कहते हैं, हिंदी में इसे मस्से कहते हैं, ठीक है? वो आने शुरू हो जाते हैं. Then around the genitals, around the face also. Abnormal vaginal discharge and burning sensation in the genital organs. Treatment, basically यहाँ पे surgery होती है, उसे हटा दिया जाता है using electrocoration. Yes. इलेक्ट्रोकोरेशन या क्रायो प्रिजर्वेटिव यूज करके उन्हें हटा दिया जाता है. ट्राइकोमोनियासिस, ये एक तरह का प्रोटोजोअन एसटीडी, मतलब कि प्रोटोजोआ है इसका कॉजेटिव एजेंट, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. क्या नाम है बच्चों इस प्रोटोजोअन का? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जो एक पैरासिटिक प्रोटोजोअन है, ठीक है? एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग एंड रेडनेस अराउंड वजाइना, pain bleeding during sexual intercourse and painful urination. तो ये इसके कुछ symptoms हैं which are much related to the reproductive system. That's why it is a STI or sexually transmitted infection caused by a protozoan. Now methods to prevent STDs. What are the methods that how we can actually prevent STD? कैसे prevent कर सकते anybody? Yes. So, बच्चों यहाँ पे हम कर सकते हैं एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स. पहले तो खुद नॉलेज लो, तब जाके दूसरों को ज्ञान बांटना. बेटा सीधा पंचायती बिठा के ज्ञान बांटने से कुछ ना होगा कि आजा भाई आजा इधर आजा, सोना मोना सब आओ इधर आओ, पंचायती बिठाएंगे, खुद को कुछ पता नहीं और पंचायती बिठा के बैठ गए, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों. यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज, देन ओनली यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर द नॉलेज टू अदर्स, ठीक है? Use condoms because this can also prevent STDs with the pregnancy. तो ये pregnancy भी बचाते हैं, STDs भी बचाते हैं, ठीक है? Avoid multiple coitus, get tested. तुरंत से test कर लेना चाहिए बच्चों. Get vaccinated for HPV and hepatitis. तो जिनकी भी vaccines available है वो आपको अपने आप को क्या करना चाहिए? Vaccinate करा देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इनफर्टिलिटी एंड ART. अब देखो बच्चों हमने STI पढ़ लिया, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ लिए, बट नाउ द थिंग इज ऐसे लोग जो इनफर्टाइल हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यू नो नेक्स्ट जनरेशन, उनका क्या करें, उनको कैसे ठीक करें, ठीक है? उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं टू गेट देयर चाइल्ड. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प देम विद द टेक्निक कॉल्ड ART, ठीक है? यस, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. यस, सोना मोना जादू टोना, छी छे छे छे. इनफर्टिलिटी, सबसे पहले इनफर्टिलिटी है क्या? हाउ स्टेरिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इनफर्टिलिटी? एक स्टेरिलिटी कैसे अलग है एक इनफर्टिलिटी से? स्टेरिलिटी का मतलब होता है बच्चों व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस एट ऑल. समझ लो, जब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता नेक्स्ट जनरेशन, तो उसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी. जबकि इनफर्टिलिटी क्या है? ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी है बट वो कर नहीं पा रहा है प्रोड्यूस, ठीक है? तो उसमें थोड़ी सी उसे हेल्प की जरूरत है. सो स्टेरिलिटी में तो स्कोप ही नहीं है नेक्स्ट जनरेशन का, बट हाँ इनफर्टिलिटी में देर इज अ स्कोप इफ ही गेट्स अ राइट हेल्प, ठीक है? यस. तो बच्चों इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन वेयर इन अ कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट
unprotected coitus. ठीक है, सो इवन इफ द कपल इज यू नो ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड बट इफ द कपल इज नॉट having a child, this is called infertility. So there can be lot of reasons for this, बच्चों. पहला reason क्या है? Psychological. Yes, कई बार आजकल तो आपको पता ही है, बच्चा जनता आजकल stress में ही रहती है. बेटा stress बहुत खतरनाक होता है, समझ जाओ. Yes, बिल्कुल. तो this is very stressful condition. Yes, शिवांश अग्रवाल कुछ बोल रहे, जरा मैं उनकी बात सुन लूँ. प्रणव भाई को help चाहिए. अच्छा शिवांश, अच्छा अच्छा और तुम डॉक्टर बनोगे उसके, है ना? हाँ शिवांश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. शिवांश बेटा, शिवांश क्या है ना, छोटा सा अपना क्लिनिक चलाता है, आप उससे बात कर सकते हो. ठीक है, हाँ छोटा सा है वो, उसका क्लिनिक है, आप उससे बात कर सकते हो. क्या है शिवांश, ना बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी हल कर सकता है. ठीक है, हाँ क्योंकि वो यहाँ पे ज्ञान बांटता है चैट बॉक्स में कई बार, तो हेल्प ले सकते हैं आप शिवांश से. शिवांश जनता का भला करो. ठीक है बेटा, अब आ जाओ जरा बच्चों. देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी लाइक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कंजेनिटल डिजीजेस, इम्यूनोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मीन्स स्ट्रेस. व्हेन द स्ट्रेस इज सो मच देन द पर्सन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ नेक्स्ट जनरेशन. फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट बच्चों. ठीक है, बट एक चीज याद रखना, सावधान रहे, सतर्क रहे. ठीक है, बिल्कुल. तो फिजिकल एंड कॉन्जेनाइटल बच्चों, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है. देयर कैन बी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट बाय बर्थ डिफेक्ट. देयर कैन बी डिजीजेस लाइक एसटीडीज व्हिच कैन अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ अ पर्सन. देयर कैन बी इम्यूनोलॉजिकल. ठीक है, यस बच्चों. सो हियर वी कम विद द आर्ट टेक्निक, दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. डिस्पाइट डायग्नोसिस, इन सम केस इनफर्टिलिटी मे नॉट बी पॉसिबली करेक्टेड. ठीक है, इन सच केसेस कपल्स कुड बी असिस्टेड. तो कई बार ऐसा होता है, हम मेडिसिन देते हैं तब भी इनफर्टिलिटी ठीक नहीं होती है बच्चों, तो उस केस में हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की. ठीक है, नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट वन, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो लिसन टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. यस, अच्छा हॉरर मूवी की चुड़ैल वाली आवाज. अच्छा वॉइस प्रॉब्लम हो गई बच्चों. अरे यार ये कैसे हो गया बच्चों, अभी ठीक हो जाएगा. यस यस बच्चों, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी. शिवांश रोबोट आवाज हो गई. अच्छा आपके पास कोई इलाज है? हाँ हाँ बच्चों, अभी नैन्सी जस्ट मेक मी श्योर कि जब आवाज ठीक हो जाए बच्चा, अभी ठीक हो जाएगी बच्चों. ऐसा होता रहता है यार, ऐसा होगा नहीं क्या, इंटरनेट है. यस हो जाता है, डोंट वरी. यस चलो मैं इसी आवाज में गाना गा देती हूँ. दर्द दिलों के कम हो जाते, है ना? अभी ठीक है, इट्स ओके मैम. अभी ठीक हो गया सौम्या? यस पल्लवी, समीरा अभी ठीक हो गया? हर्ष, यस एवरीवन अभी ठीक हो गया बच्चों? डन, अभी सही है. चलो अभी ठीक हो गया, अब हम शुरू कर सकते हैं अपनी वेरी फर्स्ट प्रोसेस से, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दिस टेक्निक स्टार्ट्स विद फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझने वाली बात है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड. आउटसाइड जब फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, पेट्री डिश लेते हैं बच्चों. पेट्री डिश में हम ओवा लेते हैं, किसके? फीमेल के. एंड वी टेक द स्पर्म्स ऑफ द डोनर. ठीक है, एंड दे गेट फर्टिलाइज्ड. व्हेन दे गेट फर्टिलाइज्ड, अप टू एट सेल यानी 8 सेल तक की स्टेज पे हम इस एम्ब्रियो को कहां पे भेजते हैं बच्चों? इन द फेलोपियन ट्यूब. और इस प्रोसेस को कहते हैं जिफ्ट. क्या कहते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? जिफ्ट कहते हैं. ठीक है, यस. और बच्चों अगर 8 सेल से ज्यादा है एम्ब्रियो में सेल्स, तो ये जो एम्ब्रियो है तब हम इसे कहां ट्रांसफर करते हैं बच्चों? यूट्रस में. इस टेक्निक को हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. तो बच्चों यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि यहाँ पे पहली चीज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है. ठीक है, दूसरी चीज पेट्री डिश में हो रही है. पेट्री डिश के अंदर हमने क्या लिया? एग लिया, फीमेल का स्पर्म लिया. जैसे ही दोनों फर्टिलाइज किया तो उसकी ग्रोथ हुई. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ हुई, तभी इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं.
अब अगर वो सिर्फ 8 सेल तक पहुंचा है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे. जब उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम ZIFT कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है. बट अगर वो 8 सेल से ज्यादा हो गया है तब उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में, और उसे क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है. So here you can see bacho, intrauterine transfer, when there is more than 8 blastomeres are transferred into the uterus. When there are less than 8 blastomere, it is transferred into the fallopian tube. And that is called ZIFT and this is called IUT, intrauterine transfer. Next bacho, the basic steps. Now we are going to look at the basic steps, theek hai? Yes. The first, step number 1. Ovarian stimulation hormone therapy. Now, why do you need ovarian stimulation, anybody? For super ovulation. Female is given injection of FSH so that female can super ovulate. She is able to super ovulate. The super ovulation means in one cycle she is able to produce 6 to 8 eggs. So we are increasing the number of eggs produced per cycle by giving her an injection of FSH. ठीक है बच्चों? दूसरी चीज, उसके बाद हमने egg pick किया. Now extraction of egg from ovaries. Extraction of eggs from ovaries. अब ovaries आपने बाहर क्या निकाले? 6 से 8 eggs बाहर निकाल लिए. Now third, fertilization occurs in petri dish. Fertilization occurs in petri dish. Once the fertilization occurs in the petri dish, now we can transfer the embryos. Now we can transfer embryos. Right, bachu? Right? Now next is gamete intrafallopian transfer. Now what is this gamete intrafallopian transfer, bachu? GIFT. In this case, you need to understand the female who wants to be a mother. This female wants to be a mother. But she is not able to produce her own ova. So no ova production by the female. But she has a uterus to support pregnancy. To support pregnancy. So in this case, what is the main problem here with the female? That female is not able to produce ova, but she has a perfect uterus to support the pregnancy. So how we are going to help this female? By providing her a ova. So this ova comes from another female. The ova comes from another female. ठीक है? Yes. The ova comes from another female and this ova is being transferred into the female which wants to be a mother. Now the process will be normal. So basically you have borrowed what bachu? The ova from another female. In this case, the fertilization will occur inside the body. The fertilization will occur bachu where? Inside the body. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot reproduce one. So ye technique hum tabhi use karenge jab female kya nahi produce kar pa rahi hai, apna ova produce nahi kar pa rahi hai. Theek hai? Intracytoplasmic sperm injection. A specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. So this is a way. Can you see bacho, is capillary tube mein sirf ek sperm hai. Kya bacho, is capillary tube mein sirf ek sperm hai. To ab ek sperm lete hain, egg ko kya karte hain, fertilize karte hain, aur fertilize hone ke baad hame kya milta, zygote. But here we are actually injecting a sperm for fertilization. That's why the technique is called as intracytoplasmic sperm injection. Artificial insemination. Now when the male actually fails to inseminate the female, then there is a technique called artificial insemination which is used. Artificial matlab ki not real, insemination mean transfer of sperms. So here the transfer of sperms is done artificially into the female system. And why a person go with this technique? Because the male is suffering from oligospermia. The male is suffering from oligospermia or erectile dysfunctioning. So if the male is suffering from oligospermia and erectile dysfunctioning, in these cases, the doctor will prescribe artificial insemination. In this, the sperms are collected in a test tube and they are cryopreserved. Cryopreserved means liquid nitrogen.
And when they are cryopreserved, now it will make sure that the sperms, you know, stay alive for longer period of time and can be used for artificial insemination. बेटा अभिषेक कुंभक, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा जो आप साक्षी से पूछ रहे हो, हैं? आपकी टीचर आपको यहाँ पे सामने समझा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा? बताओ अभिषेक कुंभक, प्लीज रंजन जी ब्लॉक कर दीजिए बच्चों को. यस आई एम टेलिंग यू रंजन जी, यू कैन ब्लॉक, आई हैव नो प्रॉब्लम. यस बिल्कुल. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो बच्चे आपको लग रहे हैं कि दे आर नॉट स्टडिंग, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, please you can block them, I have given you complete freedom to do that. Yes, you can. Okay, next bacho, in vitro fertilization gift, ICSI and artificial insemination. So these are the techniques we have studied so far in this particular lecture. Theek hai Kuldeep? Yes Ritika, Kemu, Shrija. Okay, with this bacho we complete this lecture. Chota sa to lecture tha yaar, usme bhi tumne itna भौकाल मचा के रखा है. यस यस. सो सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चों, प्यार से सब्सक्राइब करना. एंड दिस इज फॉर यू बच्चों, द प्रो सब्सक्रिप्शन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द बैचेस. यस दिस इज अ लिंक बच्चों, यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू ज्वाइन आवर कोर्सेस. डाउनलोड आवर ऐप, कुछ करो या ना करो, यू कैन डाउनलोड द ऐप बच्चों. काफी सारे मैम के फ्री सेशंस भी आते हैं विच यू कैन वॉच ऑन वेदांतु ऐप. दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बच्चों, सी यू टुमारो एट 9 o'clock विद मिनरल न्यूट्रिशन मेंटी क्विज. बाय बाय.